सिंह नाम है, वहां बुंदेली दर्पण देख रहे हैं आप। करना नगरी है, वैसे तो हीरा खिलाने जानी जात है, लेकिन छतरपुर जिले के बक्सवाहे इलाके से निकल भी वालो हीरा भी लोगन के खासो आकर्षित कर रहे है। इतने की बंदर डायमंड माइंस से निकल भी वाले हीरा की प्रदर्शनी पन्ना में लगाई गई, और उसके बाद प्रोजेक्ट को भौगोलिक परिस्थिति को और इतने को जायजा ले गए। छह देश की नामी ग्रामी कंपनियां बक्सवाहा आई और इतने को जायजा लो। इसके अलावा आपके जो भी बता दें कि जो प्रोजेक्ट बंदर डायमंड माइंस नीलामी पे लग चुके है और इसकी नीलामी 60,000 करोड़ रुपया से शुरू हुई है, और अगर जो प्रोजेक्ट छतरपुर जिला में कारगर भाव तो जिला की तकदीर और तस्वीर बदल सकते है। ग्लोबल सिटी के नाम से जानो जो है सो कहबो है अधिकारियों को। इसके अलावा छतरपुर जिला के लोगों के रोजगार भी मुहैया हुए। देखो आप देखा सकते छतरपुर जिला के बक्सवाहा इलाके में स्थित बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के देखभाल देश की छह नामी कंपनियां आई। आपके बता दें इतने से निकलने वाले हीरे को औरोगन पहले पन्ना में ही कंपनियों के द्वारा करोगा, इसके बाद इतने की भौगोलिक परिस्थिति देखभे ये कंपनियों के प्रतिनिधि इतने आए। और आपके बता दें ई प्रोजेक्ट को अब नीलामी पे लगाओ जा चुके है, और इसकी नीलामी की 60,000 करोड़ रुपया कीमत रखी गई है। 60,000 करोड़ से इसकी नीलामी शुरुआत हुई है, और इसके बाद आपके बता दें जो एशिया को सबसे बड़ो डायमंड प्रोजेक्ट हुई है ऐसो कहबो अधिकारियों को। और इस पे विस्तृत चर्चा भई, छह कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई है, अडानी, वेदांता और इसके अलावा एसएल और तीन अन्य ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें अपनी रुचि दिखाई। ये प्रोजेक्ट के कारगर होने के बाद छतरपुर जिला के लोगों के जहां एक और रोजगार मिले हैं, वहीं पे अधिकारी को जो भी कहे कि छतरपुर ग्लोबल सिटी के तौर पे जानो जाए है। डायमंड डिपॉजिट्स जो है उसकी ऑक्शनिंग की प्रीबिड के बाद एक इंस्पेक्शन टीम आई है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें बिड करने के लिए, ऑक्शन के अंदर आने के लिए, वो लोग साइट विजिट करने और कोर के सैंपल्स वगैरह को विज़िट करने और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो भी हैं उनको डिस्कस करने के लिए आए थे, जिस पर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी है। जो भी उनके इश्यूज़ हैं, चाहे वो लैंड के रिलेटेड हों, चाहे फॉरेस्ट रिलेटेड हों, चाहे एस्टैब्लिशमेंट जो उनको अपना करना है उससे रिलेटेड हों, चाहे वाटर सप्लाई से रिलेटेड हों, उन सबके डिस्कशन हुआ है, और जिसमें जो भी उनके इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और हम होप करते हैं कि सूनर देन लेटर एक अच्छा ऑप्शन होगा और कोई प्लेयर आएगा एंड देन ये इंडस्ट्री यहाँ स्टार्ट करेगी। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज द बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ डायमंड्स इन द होल ऑफ एशिया, तो ये बड़ा डिपॉजिट है, ग्लोबल लेवल का प्रोजेक्ट है। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली वर्कआउट होता है तो उसके बाद छतरपुर वुड बी अ ग्लोबल सिटी, उसका लेवल उस लेवल पे चला जाएगा। तो हम लोग काफ़ी कीन है कि हम लोग इसको सपोर्ट करें और एक अच्छा आउटकम आए जिससे कि पब्लिक का डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि इंडस्ट्री आएगी तो उससे बहुत सारे एंसरी चीज़ें इकनॉमी में जनरेट होंगी और पब्लिक को फ़ायदा होगा। लेबर सप्लाई तो ऑब्वियसली लोकल एरिया से बिल्कुल फुलफिल होगी। तारिक साहब ने आपको बता दिया है कि ये क्यों हो रहा है जी। तो जो हमारी बिडर्स हैं बेसिकली, ये आपका जो बंदर डायमंड प्रोजेक्ट है ये नीलामी पे लग गया, इसकी प्रीबिड मीटिंग भी 5 तारीख को अगस्त में हो चुकी है। मीटिंग के बाद जो हमारे बिडर्स हैं, क्योंकि 60,000 करोड़ से बोली शुरू है, तो बिडर्स भी ये इंश्योर करना चाहेंगे कि वो उतना पैसा यहाँ लगाएं या ना लगाएं। उनने उनकी डिमांड पे हम लोगों ने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है। कल इन्होंने पन्ना में जो वो डायमंड देखा है जो यहाँ से निकला हुआ है, और आज जो है इनने फील्ड देखा है और जो आरओएम रखा हुआ है वो देखा है, ताकि उनको ये श्योरिटी हो जाए कि ये प्रोजेक्ट वाइबल है और उनको यहाँ आना चाहिए। प्रोजेक्ट 6 लोगों ने हमारे बिड डॉक्यूमेंट लिए हैं और 6 कंपनियां अभी तक हमारी लिस्ट में हैं।